एलगी के लेक्चर्स जो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रही हूँ, उसमें हम लोग एलगी के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन और हमने साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन कर लिया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसके मेंबर नॉस्टॉक के बारे में बताया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका सेल कैसा है, उसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं और उसके रिप्रोडक्शन इत्यादि इस चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाला था। आज हम लोग ऑसिलेटोरिया को अध्ययन करेंगे और ऑसिलेटोरिया जो है वो कुल ऑसिलेटोरियसी का मेंबर है जो कि साइनोफाइसी का सबसे बड़ा कुल है और इसमें जितने भी शैवाल हैं सभी तंतुमय या फिलामेंटस होते हैं और ये अनब्रांच्ड और अशाखित होते हैं और ये एक ही पंक्ति या यूनिसीरिएट होते हैं। इन सभी इसके जो कुछ अपवाद को छोड़ दें तो इनके सदस्यों के ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी पाई जाती है। आज हम लोग ऑसिलेटोरिया के बारे में बात करेंगे। ऑसिलेटोरिया की जो वर्गीकृत पोजीशन है, उसका जो वर्ग है या जो उसकी जो क्लास है वो है साइनोफाइसी, उसका ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स और उसकी फैमिली है ऑसिलेटोरियसी। ये जो चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक ऑसिलेटोरिया का डायग्राम है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस प्रकार की संरचना जो है वो दिखाई देगी, जैसे हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये इसमें आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक ये इसके फिलामेंट्स हैं और उनके बीच में हमको सेल्स दिखाई देते हैं जो चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं और लंबाई में कम होते हैं। ये जो ऑसिलेटोरिया है ये एक फ्रेश वाटर शैवाल है या अलवण जलीय शैवाल है और इसकी लगभग 105 जातियां हैं और ये मुख्य रूप से बरसाती पानी के गड्ढों में, नालों में और दूषित जल के तालाबों में पाई जाती हैं। इसके तंतु तालाबों की सतह के ऊपर और नीचे स्थित मिट्टी के ऊपर चिकने जाल के रूप में देखे जा सकते हैं। अगर हम लोग इसके थैलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑसिलेटोरिया जो है अशाखित और एक तंतुल या फिलामेंटस शैवाल है। इसके तंतुओं को ट्राइकोम कहते हैं और ये एक काफ़ी सघन सा जाल का निर्माण कर देते हैं। कभी कभी ये ट्राइकोम जो है स्वतंत्र रूप से भी पाए जा सकते हैं। इनकी जो ट्राइकोम की कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा एक पंक्तिक या यूनिसीरिएट क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इनकी कोशिकाओं का आकार व संरचना ऑलमोस्ट एक समान होता है। इनकी चौड़ाई प्रायः लंबाई से ज़्यादा होती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है चौड़ाई ज़्यादा है और इनकी लंबाई कम होती है। समानता क्या होता है कि ट्राइकोम के सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, परंतु कुछ कोशिकाओं में जो इसकी सबसे शीर्ष वाली कोशिका होती है, बिल्कुल जो एपिकल सेल होता है, वो आकार में उसके आकार में हमें विविधता पाई जाती है। वो अलग अलग तरह से उसकी शेप हो सकती है, जैसे अन्य चित्रों में दिखाया जा रहा है। जो सबसे ऊपर वाली कोशिका है वो ओवल है, कैपिटेट है, एक्यूमिनेट है ना, तो कईयों में एटीन्यूएटेड है, अलग अलग, राउंडेड भी है, कैलिप्ट्रा भी है, अलग अलग प्रकार से पाई जा सकती है। इसमें विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। तो अधिकतर जो कोशिकाएं हैं उनकी जो सबसे ऊपर वाली कोशिका या शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका जो है वो कॉन्वेक्स या अवमुख प्रकार की या वक्रित प्रकार की होती है, पर कुछ जातियों में जो सबसे ऊपर वाली कोशिका है वो एक टोपी के समान संरचना का निर्माण कर लेती है जिसको कैलिप्ट्रा कहा जाता है। जो ट्राइकोम होता है इसका नॉर्मली नग्न होता है या एक बहुत पतली म्यूसिलेजिनस जो आवरण है उससे ढका हुआ होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये ट्राइकोम है, इसमें भी ऊपर वाली कोशिका आप देखिए कॉन्वेक्स नज़र आ रही है। ये ऊपर वाली कोशिकाएं आप देखिए अलग अलग तरह की हो सकती हैं, इसमें भी ये ऊपर से गोल या कॉन्वेक्स प्रकार की हमें नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं कोशिका की जो परासंरचना है या इसके अल्ट्रास्ट्रक्चर की हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ऑसिलेटोरिया की
कोशिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चित्र है जो अब मैंने आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये इस प्रकार का अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कोशिका में इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें, सेंटर में सेंट्रोप्लाज्म और बाहर क्रोमोप्लाज्म दिखता है, पर अगर हम डिटेल इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर देगा। इसको इसलिए समझा रहे हैं कि कई बार इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऑसिलेटोरिया की जो ट्राइकोम की सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है और ये तीन परतों में विभाजित होती है। इसमें तीन परत होती हैं, सबसे अंदर वाली जो सेलुलोज की भित्ति की जो परत होती है वो करीब 2000 एमस्ट्रॉन्ग मोटी होती है, जो बीच की परत होती है मध्य वाली जो इसकी परत होती है वो 160 एमस्ट्रॉन्ग और सबसे बाहरी वाली परत जो होती है वो करीब 90 एमस्ट्रॉन्ग की मोटी होती है। तो इस प्रकार की इसमें आउटर, मिडल और इनर तीन प्रकार की इसमें परत पाई जाती है इसकी सेल वॉल के अंदर, जो कि मुख्य रूप से सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती हैं। जो इसकी सबसे अंदर वाली या जो भीतर वाली परत होती है उसमें करीब 700 एमस्ट्रॉन्ग व्यास के पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं जो कि मिडिल वाली परत में खुलते हैं, और इस और जो मध्य और बाहरी परतें होती हैं कोशिकाओं की, जो मध्य व बाहरी परतें कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों में नहीं पाई जाती हैं। ये दो परतें ट्राइकोम की केवल बाहरी भित्ति में ही मिलती हैं, इनकी जो अनुप्रस्थ वाली भित्तियाँ होती हैं उसमें ये जो होती हैं मध्य और बाहरी परतें नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद ये जो कोशिका भित्ति होती है ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले ग्राम पॉजिटिव प्रकार की जो कोशिका भित्ति है उसके समान इसकी संरचना होती है और ये मुख्य रूप से म्यूकोपेप्टाइड्स के द्वारा बनी होती है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, मैंने अभी इसकी सेल वॉल के बारे में आपको बताया है। सेल वॉल के बाद जैसे आपको पता ही है कि साइनोफाइसी के मेंबर्स के अंदर जो प्रोकैरियोटिक इनकी संरचना होती है, ये इनमें जो एक यूकैरियोटिक टाइप का या जो इसमें न्यूक्लियस है उसका अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक संरचना है। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो परिधीय भाग होता है या जो पेरिफेरी होती है उसमें क्रोमोप्लाज्म होता है और सेंट्रल वाला भाग जो होता है इसको सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। तो परिधीय वाला भाग क्रोमोप्लाज्म हो गया और जो सेंटर वाला पार्ट है उसको सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। जो क्रोमोप्लाज्म है ये जो बाहर वाला एरिया होता है इसमें इस भाग में अनियमित रूप से प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक लेमिले पाए जाते हैं या थैलकोइड्स पाए जाते हैं, और इनकी सतह के ऊपर ये जो थैलकोइड्स किनारों पे पाए जाते हैं या पेरिफेरी में पाए जाते हैं इनके ऊपर वर्णक पाए जाते हैं और इनमें प्लास्टिड्स का अभाव होता है, सिर्फ फोटोसिंथेटिक लेमिले या जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं कह सकते हैं वो पाई जाती हैं, और इन प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं या फोटोसिंथेटिक लेमिला के ऊपर वर्णक पाए जाते हैं, और इसमें मुख्य रूप से सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसकी वजह से क्लोरोफिल के साथ साथ जिसकी वजह से इन एल्गी का कलर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। अब एक विशेष चीज़ अब आपको हम बताएंगे कि इसके अंदर वैक्यूल्स एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अभी हम उसको बताएंगे कि इसकी जो प्लैंकटोनिक या जो इसकी कुछ ऐसी जो होती हैं जो पानी पे तैर सकती हैं उनकी जातियों में जो क्रोमोप्लाज्म होता है उसमें स्यूडो वैक्यूल्स या कूट रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं जिनमें संभवतः गैस भरी रहती हैं, और इन रिक्तताओं का निर्माण जो है वो प्रायः जिस समय प्रकाश लाइट होता है या मंद प्रकाश में जो है इनका निर्माण होता है जिसकी वजह से इनकी बॉयंसी या प्लवनशीलता बढ़ जाती है इन एल्गी की और ये पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं।
और जिस समय प्रकाश अधिक होता है ये रिक्तिकाएं फट जाती हैं, तो इनकी बॉयंसी कम हो जाती है और ये पुनः पानी में डूब जाती हैं। तो ये इसमें पाए जाते हैं स्यूडो वैक्यूल्स, जो इसको तैरने में या पानी के अंदर जाने में मदद करते हैं। अब हम आते हैं इसके जो सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रोप्लाज्म में, इसके सेंट्रल प्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि इसके अंदर सुस्पष्ट न्यूक्लियस का अभाव रहेगा, इसमें जो है वो सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाएगा या न्यूट्रल मैटर पाया जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का अभाव रहता है, इस प्रकार से जो इसका इसमें जो हम कह सकते हैं कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस या आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका में जो इसका सेंट्रोप्लाज्म के निकट कुछ पॉलीहेड्रल बॉडीज या बहुतलीय पिंड पाए जाते हैं, जिसमें रिबुलोस डाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में मदद करता है। इसके अलावा जो इसकी मैच्योर कोशिकाएं या जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं उसमें कुछ गोल पिंड पाए जाते हैं जिनको पॉलीफॉस्फेट बॉडीज भी कहा जाता है। जो सक्रिय रूप से जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या कहते हैं थायलोकॉइड पट्टिकाओं के बीच में पॉली ग्लूकोन ग्रैन्यूल्स भी पाई जाती हैं। ये वास्तव में कार्बोहाइड्रेट की कणिकाएं हैं जो कि 14 से 16 ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बताते हैं कि इसके अंदर गति या मूवमेंट वाले कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं ऑसिलेटोरिया में, इसीलिए इसका नाम ऑसिलेटोरिया है। ऑसिलेटोरिया में स्पॉन्टेनियस या स्वतः गति पाई जाती है और ये दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है ग्लाइडिंग या क्रीपिंग मूवमेंट, जो कि ए वाले चित्र से दिखाई दे रही है, और जैसा बी वाला चित्र है वो है इसमें पाया जाने वाला दोलन गति या ऑसिलेटोरिया ऑसिलेटोरी मूवमेंट। जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है इसमें क्या होता है, जब तंतु ये किसी ठोस आधार पर बिना किसी अंगों की सहायता से इसमें रिदमिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं, इसको विसर्पी गति कहते हैं। इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य अक्ष पर इसमें मूवमेंट होता है, और इस प्रकार की जो गति होती है इसमें तंतु को कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो आगे पीछे वाली गति होती है इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऑसिलेटोरिया के मूवमेंट जो मेंबर्स हैं उसके अंदर पेंडुलम या लोलक के समान अक्ष की दाई और बाई तरफ दोलन गति होती है, और इसको ऑसिलेटोरी मूवमेंट कहते हैं, और इसी के आधार पर इस शैवाल का नाम ऑसिलेटोरिया रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं एक इसमें पाए जाने वाले विशेष घटना जिसको गाइडोकोव फिनोमिना कहते हैं। ऑसिलेटोरिया में क्या होता है कि इसमें जो ऑसिलेटोरिया की विभिन्न जातियां होती हैं, इसमें ये जो तरंग जो प्रकाश की तरंग होते हैं उसके प्रभावन से इसमें अलग अलग प्रकार के शेड्स विकसित होते हैं, और इसको गाइडोकोव फिनोमिना कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऑसिलेटोरिया की जो एक जाति है वो लाल प्रकाश में हरा रंग और हरे प्रकाश में लाल नीला रंग तथा पीले प्रकाश में नीला हरन रंग दिखाती हैं। तो इस प्रकार का जो ये क्रोमैटिक अडेप्टेशन होता है इसको गाइडोकोव फेनोमिना कहा जाता है, और ये जो इसमें ये इसके लिए इससे लाभदायक होती है क्योंकि इससे जो एल्गी है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश को अधिकतम अवशोषित करने के लिए सामर्थ्य होता है। ऑसिलेटोरिया की हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली और इसके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, इसके टिप की बात कर ली, इसमें मूवमेंट की बात कर ली, इसमें न्यूट्रिशन की बात कर ली कि इसमें मुख्य रूप से जो है आपको पता है क्लोरोफिल ए सी फाइकोसाइनिन सी फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है,
और इसमें जो संचित भोजन होता है मुख्य रूप से शर्करा और ग्लाइकोजन इसमें पाया जाता है। अब हम आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ये रिप्रोडक्शन जो है हार्मोन्स के द्वारा इसमें मुख्य रूप से होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें एक सेपरेटिंग डिस्क या पृथककारी बिंब का निर्माण होता है जिसके द्वारा ये जो ट्राइकोम है वो खंडों में विभाजित हो जाती है जिनको हार्मोन्स कहा जाता है। तो कायिक वृद्धि के दौरान क्या होता है कि इनकी जो तंतु होती है कुछ कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं और इनकी जो जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है और ये निर्जीव कोशिकाएं जो हैं ये नेक्रीडिया कहलाती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये देखने में बायकॉन्वेक्स प्रतीत होती हैं और इनको सेपरेशन डिस्क कहा जाता है। अब इनकी क्या होता है कि ये जो मृत कोशिकाएं होती हैं इनमें जो म्यूसिलेज है म्यूसिलेज पाया जाता है और ये म्यूसिलेज जब फूल जाता है तो इसके कारण ये जो इनकी जो संधि होती है आपस में टूट जाती है और ये जो खंड है वो अलग अलग हो जाते हैं और ये खंड हार्मोगोनिया कहलाते हैं। प्रत्येक खंड की कोशिकाएं जो है वो विभाजित होकर फिर नए तंतु का निर्माण करती हैं। तो ये तो हो गया हार्मोगोनिया के द्वारा। और उसके बाद एक विधि और होती है जिसके द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है जिसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं या खंडन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कभी कभी कोई कीट या जंतुओं के काटने के द्वारा या कोई यांत्रिक क्षति हो जाती है जिसके द्वारा जो तंतु होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और इन खंडों में हार्मोगोनिया के समान कोशिका विभाजन द्वारा नए खंड का निर्माण होता है और इनमें नया जो है ट्राइकोम बनाने की क्षमता होती है। तो आज के लेक्चर में हमने इसको ऑसिलेटोरिया को समझ लिया है। ऑसिलेटोरिया का क्लासिफिकेशन इसके संरचना और इसमें जो इसके जो एपिकल सेल है उसकी संरचना है। इसके अलावा हमने इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टडी कर लिया, इसमें पाए जाने वाली गति या मूवमेंट्स का स्टडी किया है और इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसका भी अध्ययन कर लिया है। तो इसी के साथ ही आपकी जो फैमिली साइनोफाइसी है वो कंप्लीट होती है। इसके दो मेंबर्स आपने अध्ययन करने थे, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, और ये दोनों ही मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी नई जो क्लास है जिसको क्लोरोफाइसी कहते हैं उसको लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।